गाइस, आरती हियर एंड वेलकम टू माय चैनल। नए हो मेरे चैनल के ऊपर तो मैं आपको बता दूं, मेरे चैनल के ऊपर मैं ट्रैवल व्लॉग्स एंड मोटर व्लॉग्स अपलोड करती हूं। आज का वीडियो है मुंबई दर्शन पगोड़ा पार्ट टू। जिनको पता नहीं है व्हाट मुंबई दर्शन सीरीज़ इज़ ऑल अबाउट, तो मुंबई दर्शन मतलब जो मुंबई में मुझे प्लेसेस अच्छे लगते हैं वहाँ पे जाके मैं ट्रैवल व्लॉग्स या मोटर व्लॉग करती हूँ और उसके वीडियोस आते हैं मुंबई दर्शन ये सीरीज़ में। अभी तक मैंने संजय गांधी नेशनल पार्क ये सीरीज़ में कवर किया है। तो ये है पगोड़ा का पार्ट टू। पगोड़ा क्या है, पगोड़ा कैसे आते हैं, पगोड़ा कहाँ पे है, ये अगर आपको जानना है तो आपको फर्स्ट पार्ट देखना पड़ेगा। पगोड़ा फर्स्ट पार्ट मैंने मोटर व्लॉग किया था, वहाँ पे मैं फेरी में से बाइक लेके गई थी और काफ़ी मज़ा आया था। अगर आपने ये फर्स्ट पार्ट मिस किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या यहाँ पे साइड पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लास्ट टाइम हम लोग कहाँ पे थे, लास्ट टाइम फर्स्ट पार्ट में मैं पगोड़ा तक पहुँच गई थी। पगोड़ा के अंदर का कुछ भी मैंने वहाँ पे बताया नहीं था, तो वहाँ से ही चालू करते हैं। जस्ट लुक एट दिस, इज़न्ट इट सो ब्यूटिफुल। यहाँ पे कुछ काम चालू है, लेट्स गो फ्रॉम दैट साइड। पगोड़ा पूरा डोनेशन बेसिस पे चलता है, अपने हिसाब से कितना डोनेट वहाँ पे करना चाहो आप वो कर सकते हो। वहाँ पे आपको एंट्री फ़ी नहीं है, वहाँ पे और भी कौन से भी चार्जेस आपको पे करने नहीं पड़ेंगे। दे हैव मेंशन एवरीथिंग, कौन सी चीज़ कहाँ पे है। इफ़ यू सी हियर देयर इज़ दिस धर्मालय, शायद यहाँ पे रहने के लिए ये सुविधा है। ज़्यादा टाइम आपको सिक्योरिटी चेक से होके जाना पड़ेगा, जहाँ पे वो चेक करते हैं कि आपके पास कैमरास है या ट्राईपॉड्स है, ये सब इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें वहाँ पे वो चेक किए जाते हैं। और ये टाइम मेरे बैग में एक गोरिल्ला पॉड था और एक ट्राईपॉड कम सेल्फी स्टिक जो मैं यूज़ करती हूँ वो था, एंड वो बंदी ने मेरा गोरिल्ला पॉड ले लिया। और अभी क्या हुआ, अभी जब वो जो चेकिंग चल रहा था पगोड़ा में, तब वो लेडी ने मेरा गोरिल्ला पॉड देखा एंड शी वाज लाइक व्हाट इज़ दिस। सो मैंने बोला कि ये इसको गोरिल्ला पॉड बोलते हैं और ये सेल्फी स्टिक है, तो उसने बोला कि वो नहीं चलेगा क्योंकि गोरिल्ला पॉड अलग दिखता है ना। तो उसने मेरा गोरिल्ला पॉड वहाँ पर रख दिया और उसने मुझे एक टोकन दिया। मुझे अभी याद रखना है कि घर पर जाते टाइम मुझे मेरा गोरिल्ला पॉड वहाँ से रिटर्न लेना है। पगोड़ा में आप देखोगे तो आपको एक बहुत बड़ी जायंट बेल दिखाई देगी। यहाँ पे ये जायंट बेल है, लास्ट टाइम मैंने ये बेल बजाई थी, फिर से आज करते हैं। फ्रेश होने के बाद काफी अच्छा लग रहा है अभी। उसके बाद मैं थोड़ा आगे जा रही थी और मैं खुद की धुन में थी, मतलब मैंने कैमरा निकाला था और मैं यहाँ वहाँ फोटोज क्लिक कर रही थी या शूट कर रही थी, और सामने अचानक से दो बंदे लोग आए और उसमें से एक बंदे ने मुझे पूछा हाय। सो आई वाज लाइक यस, तो ही सेड आर यू आर्टिस्ट लाइफ, आई वाज लाइक या, एंड ही सेड हाय आई एम विनायक, आई एम योर फॉलोअर। मेरे साथ ये फर्स्ट टाइम ऐसा इंसिडेंट हो रहा है कि किसने सामने आके मुझे ऐसे पूछा, एंड इट वाज रियली नाइस, सो अच्छा लगा। मैं
मेडिटेशन सेंटर, 10 मिनट का मुझे मेडिटेशन करना है, रिलैक्स होना है, शांत होना है। और ये अभी यहाँ पे एक वॉचमैन था, उसको मैंने पूछा तो ही ऑल्सो सेड कि 10 दिन का भी मेडिटेशन आप यहाँ पे आके कर सकते हो, तो उसकी भी फैसिलिटी है यहाँ पे। 10 मिनट का फ्री मेडिटेशन करना था, इसलिए मैं वहाँ पे रुक के मैं मेरा चांस कब आए इसका वेट कर रही थी, और तभी मुझे और एक फैमिली मेम्बर मिले। त्रिशांत राइट? हाय त्रिशांत, एंड दिनेश, इट वाज नाइस टू मीट यू, थैंक यू सो मच। उन्होंने मुझे बोला कि वो मेरे वीडियोस देखते हैं, मतलब वो एक दिन में मुझे 2 फैमिली मेंबर्स मिले और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। भी वहाँ पे डोम में जाते टाइम बाहर एक वॉचमैन आंटी थी, तो उन्होंने मुझे ये दूसरा ट्राईपॉड देख के पूछा कि आपको ये अंदर लेके आने के लिए अलाउ कैसे किया, तो मैंने बोला आंटी ऑलरेडी मेरा एक गोरिल्ला पॉड उन्होंने नीचे लेके रखा है, मुझे टोकन दिया है, मुझे वो रिटर्न लेने के लिए फिर से वहाँ पर जाना पड़ेगा। सो शी इज़ लाइक ओके। तो मैंने बोला कि ये मेरा इट्स काइंड ऑफ माय सेल्फी स्टिक, क्योंकि मैं अकेली घूमती हूँ और मेरे पास कोई रहता नहीं है कि मेरा फ़ोटो निकाले या वीडियो निकाले, तो ये मेरा काइंड ऑफ सेल्फी स्टिक है। मतलब कि ऐसा वाला सेल्फी स्टिक ने ये मेरा ट्राईपॉड उनको ओपन करके बताया कि मैं कैसे फ़ोटोज़ लेती हूँ, कैसे मेरा शूट करती हूँ मैं, तो शी वॉज़ क्वाइट इम्प्रेस। ये आगे वाला जो पार्ट है ना माउंट करने का, वो निकल के मेरे हाथ में आ गया, बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड यू ना दिस ट्राईपॉड इज़ वेरी डेलिकेट। मेरा गोरिल्ला पॉड मुझे रिटर्न लेना है। अभी यहाँ पे गौतम बुद्धा की एक बहुत अमेजिंग मूर्ति है, आपको दिखाती हूँ, और उसके बाद मैं अभी घर जा रही हूँ, क्योंकि अभी बजे है 5 और मुझे घर जाने के लिए 1 से 1.5 घंटा लगेगा। सो आई एम गोना गो होम नाउ। उन्होंने बहुत अच्छा किया है कि मतलब जो एग्ज़िट पॉइंट है वो ना एक शॉप में से जाता है, और वो शॉप में आपको बुद्धा की मूर्तिज़ मिलेंगी, पेंटिंग्स मिलेंगी, किचन मिलेंगे, और वहाँ पे टी शर्ट भी रहता है, बैग्स रहती है। तो वहाँ से किधर गया मेरा किचन से मैंने ये किचन लाया, यहाँ पे लिखा है कि बी हैप्पी, और मुझे ये मैसेज अच्छा लगा, और उसके पीछे लिखा है ए। मैंने मेरे बाइक के लिए अभी तक अच्छे से किचन कुछ लिया नहीं था, ये मुझे मिला था एम्प्टी हेलमेट के साथ, वही मैं अभी तक यूज़ कर रही हूँ। मैं ये चेंज करके ये बी हैप्पी वाला और पीछे ए लिखा हुआ किचन यूज़ करूँगी। तो ये मुझे मिला था तकरीबन 80 रुपीज़ को, ये मैंने बाइक किया, निकलते निकलते आई थिंक 5:30 हो गया था। तो उसके बाद मैंने सोचा कि मैं फेरी से ही जाती हूँ, अगर मैं दहीसर टोलनाका के यहाँ से आऊँगी तो वो ऑफिस टाइम था, तो काफ़ी मुझे भीड़ मिलेगी। वहाँ से मुझे बोला भी गया था कि आप बाय रोड मत जाओ, क्योंकि अभी ट्रैफिक मिलेगा और एडिशनल 40 मिनट्स लग सकते हैं। तो मैंने जाते टाइम ही मैं फेरी से गई, और यू नो व्हाट, मेरा गोप्रो ना फेरी के यहाँ पे जहाँ पे टिकट सेंटर है वहाँ तक मैं पहुँच गई, और गोप्रो बंद हो गया, बैटरी वॉज 0। छोड़ अभी जाने दे यार, मुझे घर पे जाना है, थक गई हूँ। तो मैंने SD कैम निकाल के फिर से माउंट भी नहीं किया, मैंने सिर्फ GoPro निकाला और बैग में डाला, मैंने बोला कि छोड़ो अभी घर जाना है और शांति से घर पे बैठना है। तो एक्चुअली जाते टाइम भी फेरी से क्या हुआ ना कि आते टाइम जैसे मैंने बोला था कि हाई टाइड थी, और जाते टाइम लो टाइड थी, लो टाइड की वजह से जो ऐसा छोटा रास्ता जाता है फेरी के तरफ और दोनों साइड पानी रहता है, वो काफ़ी दूर तक गया था क्योंकि पानी काफ़ी अंदर जा चुका था। छोटा सा रोड था, वो काफ़ी स्लीपरी था और वो काफ़ी एपिक था और काश मेरे पास GoPro होता और मैं वो रिकॉर्ड कर पाती।
तो फेरी से 10 मिनट में मैं गोराए पहुंच गई और उसके बाद इट टुक मी अराउंड अनदर 40 मिनट्स टू रीच होम। तो ये सब था पगोड़ा का दर्शन। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, को अच्छा लगा देन हिट दैट लाइक बटन। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब बिकॉज आई अपलोड वीडियोज़ ऑन एवरी मंडे एंड थर्सडे से थर्सडे राइट। तो अगला वीडियो आएगा मंडे और वो भी मोटो व्लॉग होगा। हाँ मोटो व्लॉग होगा। यहाँ पे आके सिर्फ मैं मेरे ट्रैवल एंड मेरे मोटो व्लॉग के बारे में बताती हूँ, लेकिन आई ऑल्सो वॉन्ट टू नो कि आप कहाँ पे घूमने जाते हो, आपके फेवरेट प्लेसेस कौन से हैं, आपके राइडिंग डेस्टिनेशंस कौन से हैं। तो आई वुड डेफिनेटली लाइक टू नो, नॉट नेसेसरी इन मुंबई, आप दिल्ली से हो, आप केरला से हो, आप कहाँ से भी हो, आई वुड डेफिनेटली लाइक टू नो योर फेवरेट राइडिंग डेस्टिनेशन या योर फेवरेट ट्रैवलिंग डेस्टिनेशन। तो आप मुझे कमेंट करके नीचे बताइए कि आपके फेवरेट प्लेसेस कौन से हैं। आई विल डेफिनेटली चेक। वीकेंड पे मेरे व्लॉग्स आते नहीं हैं लेकिन मैं इंस्टाग्राम पे काफ़ी एक्टिव हूँ, तो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करना चाहो तो दिस इज़ माय इंस्टाग्राम आईडी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, टेक अ ग्रेट केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड आई सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो विच इज़ ऑन मंडे। बाय बाय, टेक केयर।